हेलो गाइस, मैं हूं हरिओम अग्रवाल। स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं क्रेटा का नाइट एडिशन। भाई ये अभी लॉन्च हुआ है ह्यूंडई की तरफ से। क्रेटा में एक और मतलब फेसलिफ्ट टाइप सा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करा है। बस दो वेरिएंट्स एस प्लस और एस एक्स ऑप्शनल, इन दो वेरियंट्स के नए मतलब वो निकाले हैं ये वेरियंट्स, जिसको कहते हैं नाइट एडिशन। इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करी हैं। सामने आपको दिख रहा होगा जो ग्रिल थी, इस पर क्रोम आता है वैसे, लेकिन नाइट एडिशन अगर आप लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो है ब्लैक मिल जाएगा आपको, ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा, ठीक है। और ये जो वेरिएंट आज मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ ये रहने वाला है एस प्लस, जिसमें कि आपको ये ग्लॉसी ब्लैक मिल रही है ग्रिल, ठीक है। नीचे आपको स्किड प्लेट भी जो है वो भी ग्लॉसी ब्लैक मिलेगी। अगर नॉर्मल आप देखोगे, नॉर्मल भाई आपको स्किड प्लेट जो है वो सिल्वर कलर की दिखेगी, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो इसमें हेडलाइट मिलने वाली है वो ट्रायो बीम रहने वाली है। एस प्लस वेरिएंट है ये, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, एस प्लस वेरिएंट में ही आपको दोबारा से ये, अगर आप साइड में देखेंगे तो एस एक्स वेरिएंट खड़ा है क्रेटा का, जिसमें कि आपको क्रोम वाली ग्रिल मिल जाएगी और नॉर्मल स्किड प्लेट मिलेगी, ठीक है। वो आप देख सकते हो कि इसमें ग्लॉसी ब्लैक यार कितनी बढ़िया लग रही है। साइड के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। पहले आपको एस प्लस वेरिएंट में अगर आप लेंगे नॉर्मल तो उसमें 16 इंच के ही स्टाइल रिम्स मिलते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। अपोलो का टायर रहने वाला है। बात कर लें कि और क्या क्या चेंजेस है साइड से, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिल्वर गार्निश आती है वैसे विंडोज़ के ऊपर नॉर्मल अगर आप कोई सी भी क्रेटा लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये सिल्वर फिनिश भी आपको ब्लैक आउट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर विंडो नहीं दी है लेकिन बस उस फिनिश को जो है ब्लैक आउट कर दिया है। पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे जगह नहीं यार वैसे इतनी। नाइट एडिशन की आपको बैजिंग मिल जाएगी, क्रेटा लिखा हुआ बोल्ड लेटर्स में आपको वो मिल जाएगा, नॉर्मल क्रेटा की तरह यहाँ लिखा हुआ ही आता है, ठीक है। पीछे आपको वाइपर डीफॉगर ये सब मिल जाएगा, ऊपर जो है पूरा का पूरा ये ब्लैक रहने वाला है। नाइट एडिशन यार मतलब काला ही कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा। टेल लाइट्स एलईडी मिलेगी आपको, ठीक है। ऊपर आपको जो है शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स भी ब्लैक मिलेंगी। ये आप कोई सा भी वेरिएंट लेंगे उसमें ब्लैक ही मिलेगा। भाई यहाँ पर एक बात कहने वाली है कि ये बाहर से देखने पे तो कहीं से भी एस प्लस वेरिएंट नहीं लग रहा है क्रेटा का, क्योंकि भाई सब कुछ एलईडी मिल रहा है आपको और पैनारोमिक सनरूफ पीछे आपको वाइपर वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। डोर पैनल में अगर आप देखोगे तो ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं मिलेंगे, एडजस्ट करने के आपको ऑप्शन मिल रहा है लेकिन ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। पूरा का पूरा ब्लैकआउट रहने वाला है, अंदर से भी इंटीरियर जितना है वो सारा ब्लैक ही मिलेगा, जैसे एस एक्स ऑप्शनल में आता है वैसे तो, ठीक है, थोड़ा बहुत वैसा लगेगा आपको। यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन, ऊपर स्टीयरिंग, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा। एस प्लस वेरिएंट में भी वो आपको मिलता ही था। नॉर्मल आपको 8 इंच की जो स्क्रीन रहने वाली है वो भी मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ऑटोमेटिक एसी भी मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। स्टीयरिंग पे कोई लेदर रैप वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल आपको मीटर मिलने वाला है यहाँ पर। अगर आप देखना है आपको चालू करके तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो TPMS वगैरह ये सब इन्होंने क्रेटा में सारे मॉडल्स में दे दिया है, पहले नहीं आता था। यहाँ पर ऑटोमेटिक एसी रहने वाला है। ऊपर अगर आप देखोगे तो स्क्रीन की फंक्शनैलिटी यार ह्यूंडई की हमेशा से ही बहुत बढ़िया लगती है। इंटीरियर में जो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी ना, जो चेंज्ड है, एसी वेंट्स पे रेड एक्सेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं। आप अगर सामने कोई सा भी देखोगे तो पूरा इंटीरियर जो है ब्लैक्ड है, ठीक है, और एसी वेंट्स आपके लाल एक्सेंट्स के साथ आ रहे हैं। तो वो भाई थोड़ा कहीं ना कहीं स्पोर्टी टच देने के लिए क्रेटा में वो इन्होंने दिया है। बाहर भी अगर आप देखोगे तो अलॉय व्हील्स पे भाई कैलिपर्स थे वो भी रेड पेंट कर रखे हैं इन्होंने, ताकि बस गाड़ी में स्पोर्टीनेस थोड़ी ज़्यादा आए। सामने की ग्रिल पर भी इसलिए दे रखा है। फंक्शनैलिटी जो मैं आपको स्क्रीन की वो कई वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में ही, तो i20 की आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ह्यूंडई की स्क्रीन भाई बहुत ही बढ़िया है। एक बार इसका रिवर्स कैमरा भी देख लेते हैं कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी आती है ह्यूंडई की कंपनी से। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा की क्वालिटी।
तो भाई एकदम क्लियर रहने वाला है वैसे तो। और भाई गाइडलाइंस के साथ मिलेगा आपको ये रिवर्स कैमरा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर कोई मतलब वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा ड्राइवर साइड, यहाँ पर सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, LED लाइट्स मिलने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी भाई, मतलब जो चीज़ SX मॉडल से मिलना शुरू होती थी ना वो आपको S+ वेरियंट में मिल जाएगी। यहीं अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात कर लें तो अगर आप नॉर्मल S वेरिएंट लेते हैं क्रेटा का पेट्रोल में तो वो आपको पड़ता है 12,45,000 का, X शोरूम में आपको गुड़गांव में बता रहा हूँ। और यहीं अगर आप स्विच करते हैं नाइट एडिशन पे S+ तो वो आपको पड़ता है 13,35,000 रुपये का, जो कि सिर्फ 90,000 रुपये ज़्यादा है भाई। इसमें आपको ट्रायो बीम है, LED हेडलैम्प्स, पैनोरामिक सनरूफ, यही दो चीज़ें जो हैं वो आपको कवर करके दे देती है। अलॉय व्हील्स वगैरह ये सब तो बाद की बात है। यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स में भाई मतलब एयर प्योरीफायर तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जगह ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जैसा कि अभी चल रहा है ना कि 6 एयरबैग मैंडेटरी होंगे, तो अभी भी क्रेटा में 2 एयरबैग ही आ रहे हैं S+ वेरिएंट का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 एयरबैग है, 4 एयरबैग नहीं है। तो अब एक बार ही चल लेते हैं पीछे की तरफ। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो S+ वेरिएंट में आपको पीछे यहाँ सनशेड मिल जाएगा, ठीक है। पूरा प्लास्टिक ट्रिम है, कहीं पर भी सॉफ्ट टच लेदर नहीं दे रखा है इन्होंने। पावर विंडो का आपको मिल जाएगा स्विच, ठीक है। सिल्वर आपका डोर हैंडल रहने वाला है। स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, 4 स्पीकर मिलेंगे टोटल। और यहाँ जो सीट्स रहने वाली है ना भाई, वो भी फैब्रिक की रहने वाली है, फुल फैब्रिक है ये, कहीं से भी लेदर इसमें ज़रा सा भी नहीं है। तो वो आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी फैब्रिक सीट्स हैं। सामने की भी मैं आपको दिखा दूंगा भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो पीछे का AC वेंट है ना उस पे इन्होंने लाल एक्सेंट्स नहीं दे रखे हैं, पीछे सिल्वर ही छोड़ दिया। यार ये शायद से Hyundai वाले भूल गए होंगे, क्या पता कि आगे का तो इन्होंने लाल दे दिया भाई, पीछे का सिल्वर छोड़ दिया इन्होंने। अगर स्पोर्टीनेस दिखा रहे तो भाई थोड़ी पूरी दिखा देते। सामने आप डैशबोर्ड का लुक देख सकते हैं, पीछे आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। सामने आप सीट्स अगर देखेंगे तो इस पर भी लाल जो है एक्सेंट्स इन्होंने दे रखे हैं सीट्स के ऊपर भी, ठीक है। और सामने का आप देख सकते हैं, पीछे आपको एक पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। और स्पेयर व्हील जो रहने वाला है वो भी सेम साइज़ का रहेगा, 16 इंच का। यहाँ पर आप LED लाइट्स भी देख सकते हैं, पीछे भी इन्होंने जो है रीडिंग लैंप्स दे रखे हैं, वो भी LED ही रहने वाली है। ये पैनोरामिक सनरूफ देख सकते हैं पूरी की पूरी। और सामने डैशबोर्ड का लुक, ठीक है। आपको 2 आगे के ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, पीछे के आपको नहीं मिलेंगे। तो भाई ये गाड़ी आपने पूरी देख ली है, ये गाड़ी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और जितनी भी ये Hyundai की अब वीडियोस वगैरह है ये सब भाई मेरे सचिन भाई बनवाते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।